फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अर्निंग में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ NFT के बारे में बात की जाएगी। NFT को किस तरीके से क्लेम करना है, सेल करना है और यहां से प्रॉफिट लेने हैं। जो पहला हमारा NFT रहने वाला है वो तो रहने वाला है, ये देखिए, कॉइनबेस वॉलेट का NFT, कथकली NFT जो कि फ्री में मिल रहा है। तो इसको क्लेम से लेकर सेल कैसे करना है, कहाँ पर सेल करना है, कैसे शो होगा, सारा का सारा पहले ये बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा NFT रहेगा वो रहेगा आर्बिट्रम का, ठीक है, आर्बिट्रम नेटवर्क का जो NFT मिल रहा है। तो उस NFT को कैसे हम लोग क्लेम करेंगे, ओके। तो एक एक करके बात करेंगे, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो यार, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 4:30 बजे के करीब ये पोस्ट डाला था, ओके। ये पोस्ट है जिसमें कि 7 NFT ब्लॉक टू वॉलेट में मिल रहे हैं इंस्टेंट, तो अभी भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये लिंक रहता है, इस लिंक से आप ब्लॉक टू का वॉलेट बना लीजिएगा अगर नहीं है तो। अगर है तो सिर्फ लिंक को कॉपी करके कैसे करना है मैंने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, एयरड्रॉप से रिलेटेड सारे अपडेट पोस्ट आपको यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट मिल जाते हैं, जल्दी मिलते हैं। इवन कोई क्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो आप डिस्कस ग्रुप में आके अपना डिस्कस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लिंक काम ना करे तो आप सर्च कर लीजिएगा @ ग्लोबल अर्निंग सिग्नल चैनल, लोगो देख के आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये NFT जो हमें कॉइनबेस वॉलेट में मिल रहा था, कल मैंने इसका पोस्ट डाला था, तो इसको क्लेम कैसे करना है, और अगर क्लेम हो चुका है तो हमें यहाँ पर इसको सेल कहाँ पे और कैसे करना है, ओके। तो क्लेम करने के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले ये लिंक रहता है, इस लिंक से कॉइनबेस का वॉलेट यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लीजिए। इसका एक्सटेंशन भी रहता है, पर एक्सटेंशन में मोबाइल में थोड़ा परेशानी होती है, ओके। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप पर्सनल में मुझे बोल दीजिए, मैं एक्सटेंशन का लिंक दे दूँगा, ठीक है, वो डेस्कटॉप में वर्क करेगा। तो वॉलेट यहाँ पे बना लिए, उसके बाद इस लिंक पे आपको क्लिक कर देने हैं और इस लिंक को ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है आप क्लेम कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है तो नहीं मिल रहा है। अब सेल आउट कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। आपको अपना कॉइनबेस वॉलेट ओपन कर लेना है, ओके। कॉइनबेस वॉलेट ओपन कर लिए, उसके बाद NFTs पे जाना है। NFTs पे आपका NFT यहाँ पे शो हो रहा है, पर आपको यहाँ पे सेल करने हैं तो इस वाले पोजीशन पे आना है, ये बीचों बीच जो है इस वाले पोजीशन पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। तो इसमें आपने इस तरीके से क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखिए सर्च बार है, ठीक है, ये वाला सर्च बार। तो इसमें आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सीधे लिख देना है OpenSea, ये देखिए इस तरीके से लिख के आप यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, देन OpenSea आ जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। OpenSea.io ये एक NFT मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे सारे NFT आप सेल कर सकते हो। NFTs अगर आप NFTs रखने के शौकीन हो या उसको कुछ यूज़ में लेते हो तो यहाँ से बाय भी कर सकते हो। देन ये ओपन हो जाएगा, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देने हैं, ठीक है। 3 डॉट आप समझे नहीं, ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो है मेन्यू बार, इसमें क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको अगर वॉलेट कनेक्ट करने को कहा जाए तो वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर, ये वाला माई अकाउंट पे, ओके। माई अकाउंट पे आने के बाद फिर आपको जाना है प्रोफाइल पे, ओके। जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करिएगा, आप फटाफट यहाँ से इसको सेल कर सकते हो। माई प्रोफाइल पे चले गए, अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये देखिए ये ओपन हो चुका है। तो इसमें सीधे आपको क्लिक कर देने हैं, ये वाले पोजीशन पे कहीं पे भी आप टच कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा आपके सामने अभी के अभी। तो कुछ इस तरीके से ओपन होके आ चुका है। देन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, नीचे देखिएगा तो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है कि किस प्राइस में ये अभी सेल हो रहा है और बाय किस प्राइस में आप कर सकते हो, ओके। तो $4.39 का है। अब अगर सेल करना चाहो तो ये सेल वाला बटन है, इस सेल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देने हैं। इस तरीके से सीधे सेल वाले बटन पे क्लिक कर दिए, देन यहाँ पर आपको अमाउंट बिठाना है। जैसा कि मान के चलो आपने बिठाया 0.00 कितना दिए 28, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको $5 देने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3
8 डाल दिया, ये 5.97 हो गया। देखिए $5 से कम में आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर नहीं लगा सकते हो, ओके। सो 5% से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट लिस्टिंग है, इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे थोड़ा सा फी लगेगा उसको दे देना है, अपनी लिस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, आपका NFT सेल हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखिए उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ कि NFT का कोई भरोसा नहीं, बहुत दिन भी लग सकते हैं या बहुत साल भी लग सकते हैं, 1 साल 2 साल, ठीक है। क्योंकि NFT है ना, तो वो तो इसका मार्केट नहीं लगता है, बाय सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, बस जिसको चॉइस हुआ, जिसको अच्छा लगा, जो लोग शौकीन है वो लोग खरीद लिए तो खरीद लिए, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर सेल हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे इस तरीके से सेल करना है, तो आपको समझ में आ गया। देन अब दोस्तों हम आर्बिट्रम का जो हमें मिल रहा है, IM टोकन का जो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम हम लोग किए थे, पहले बार किए थे, उसको भी हमने शायद के कर लिया होगा क्लेम आप लोगों ने, मैंने तो कर लिया। देन फिर से 4 NFT का जो लर्न एंड अर्न का था वो मैंने दिया था, तो वो भी आप कर लिए होंगे, तो आपको NFT अब मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या कहते हैं सेल करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सीधे सीधे सर्च कर लोगे ऊपर यहाँ पर इस तरीके से IM टोकन, ये सर्च कर लिए इस तरीके से आ गया। देन ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लिंक है जिससे आप इसको क्लेम कर सकते हो, तो इस लिंक को आपने सीधे सीधे ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हो चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओपन और यहाँ पे मैंने कर लिया क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट, ये देखिए मैंने क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा ये सर्च लेगा, उसके बाद यहाँ पर ये कहेगा कि कनेक्ट वॉलेट, तो मैं कनेक्ट वॉलेट पे करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट से मैंने किया था, तो ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। शायद कि हो चुका है कनेक्ट, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, नहीं हुआ है तो वॉलेट पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप ऐसा करो इस लिंक को कॉपी करो, ठीक है। लिंक कॉपी हो गया, देन ट्रस्ट वॉलेट में आओ, ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद डैप्स में जाओ, डैप्स में जाने के बाद वही लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करो, देन इस तरीके से ओपन करो, देन यहाँ पे जो इथेरियम है उसको आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए आर्बिट्रम का नेटवर्क कनेक्ट, ये कनेक्ट हो चुका है। ये अब देखिए टोटल मेरे पास कितने हैं, अभी पहले जो मिले थे NFT वो 8 मिल चुके थे, ठीक है, पहले 8 NFT मिल चुके हैं और अभी 4 बाकी है। ये देखिए क्लेम 8 हो चुका है, सॉरी क्लेम 8 हो चुका है और 4 अभी अवेलेबल है जिसको मुझे क्लेम करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे किस तरीके से क्लेम करूँगा, आपको क्लेम करने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैक्स भी कर सकते हो, अगर एक क्लेम करना है तो एक मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ओके। ओ किधर चला गया यार, देख लेता हूँ थोड़ा सा मैनुअली किधर, यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ पे मैक्स कर लेता हूँ 4 का 4, देन क्लेम पे आपको क्लिक कर देने हैं। क्लेम पे जैसे क्लिक करोगे, अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं बताऊँगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पर क्लेम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको कुछ फ़ीस मांगेगा, ये कुछ फ़ीस लगाने हैं, वो भी आर्बिट्रम के नेटवर्क से ही आपको देना पड़ेगा। और आर्बिट्रम के नेटवर्क पे अगर आपने ब्रिज नहीं किया है तो वो ब्रिज कर लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं ब्रिज कैसे होता है वो कर लीजिएगा, ओके। तो बहुत मिनिमम सा देखिए यहाँ पे 1.076 डॉलर का यहाँ पे मुझे नेटवर्क फीस लग रहा है, वो भी आर्बिट्रम में, और इसको मैं अप्रूव कर लेता हूँ। दोस्तों क्या होगा इसमें, फ़ायदा क्या होगा आर्बिट्रम का, अभी बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहा है कि आर्बिट्रम के नेटवर्क पे आने वाले हैं एयर ड्रॉप, तो उसके लिए अगर आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा ना तो फिर आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे या हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 12 क्लेम किया, यानी कि मेरा यहाँ पे 12 हो चुका है ट्रांजैक्शन। उसके बाद अब अगर आप ब्रिज करना चाहो तो यहाँ पर आपको लिखना है आर्बिट्रम, ठीक है, और उसके बाद ब्रिज, ठीक है, डेप्स में आके। और किस तरीके से ब्रिज करते हैं, मतलब कि मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि आपको इथेरियम से आर्बिट्रम में कैसे ले जाना है। दोस्तों तो उसमें थोड़े से फीस ज़्यादा लगते हैं, पर अगर ये आप कर लेते हो तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो, वो लाखों में भी जाता है, ठीक है। जब इथेरियम चैन का कोई आता है एयर ड्रॉप तो वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दे के जाता है। ये देखिए इस तरीके से ओपन हो गया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है, जैसे कि देखिए मेरा लेयर 1 में कितना है 0.040, यहाँ पे मेरे पास BNB है तो मैं 0.01 करता हूँ इस तरीके से,
देन यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। देन देखिए क्या है, दिस ट्रांजेक्शन विल टेक 10 मिनट, 10 मिनट लगेंगे। और अगर यहाँ से फिर वापस बैक करना चाहो इथेरियम में तो उसके लिए 8 दिन लग सकते हैं, 8 दिन का समय। बैक कैसे करोगे, ये एरो है तीर वाला, उसको क्लिक करोगे। ऊपर लेयर 2 है, वहाँ से लेयर 1 नीचे है। ये लेयर 1 मतलब मेन इथेरियम और लेयर 2 वो आर्बिट्रम का। ओके, तो इस तरीके से ब्रिज करके आप ला सकते हो अपने फीस देने के लिए NFT क्लेम पे। कॉइनबेस वॉलेट वाला कैसे आपको सेल करना है तो आपने सीख लिया होगा, ब्रिज भी आपने देख लिया आर्बिट्रम का, आर्बिट्रम के नेटवर्क में किस तरीके से आपको यहाँ पर क्लेम करना था तो वो भी आपने देख लिया। बाकी अगर इसको सेल करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा मार्केट प्लेस का, आप जाके वहाँ पे सेल कर सकते हो, आपको $10-20 का पर इथेरियम सेल हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट न्यू एयर ड्रॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।